नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार, मी विथ माई बुक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने नॉन रेजिडेंट बिहारी कहीं पास कहीं फेल की समीक्षा लेकर आया हूँ। नॉन रेजिडेंट बिहारी, जैसा कि नाम से जाहिर है, यह कहानी एक ऐसे बिहारी की है जो अपना घर गांव छोड़कर बाहर की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने जाता है। शशिकांत मिश्र की इस किताब का मुख्य किरदार राहुल है, जो एक संपन्न परिवार से है, लेकिन बाकी बिहारियों की तरह उसे भी UPSC की अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना है, जिसकी तैयारी के लिए वह दिल्ली का रुख करता है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। दरअसल राहुल की एक प्रेमिका भी है, जिसे लेकर वह इतना ही गंभीर है जितना कि UPSC की परीक्षा को लेकर, या यूं कहें कि शायद उससे भी ज्यादा। कहानी की शुरुआत एक जोरदार पंच के साथ होती है, जिसका एक अंश कुछ इस तरह है। 2 मिनट लगेगा मैम, कहीं कोई खतरा नहीं। मैं लेबर रूम के अंदर पैर भी नहीं रखूंगा, बस दरवाजे के बाहर से 2 शब्द कहूंगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या बकवास कर रहे हो, कौन सा मंत्र पढ़ोगे जो सब ठीक हो जाएगा? अब ये नहीं बता सकता मैम, बस चलिए कहीं देर न हो जाए, पहले ही काफी लेट हो चुका। दोनों लेबर रूम के दरवाजे पर आए, अंदर से माँ की दिल दहलाने वाली आवाज आ रही थी, किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए। कंपाउंडर ने दरवाजे पर मुंह लगाया और कसकर चिल्लाया, आज UPSC के फॉर्म भरने का आखिरी दिन है बेटे, चूक गए तो फिर 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। यह क्या? उधर से तुरंत छोटे बच्चे की रोने की तेज आवाज आई। माँ की दर्द भरी आवाज धीरे धीरे शांत होने लगी। एक नन्ना NRB नन रेजिडेंट बिहारी धरती पर आ चुका था, फ्यूचर में लाल बत्ती का पाल। यह उपन्यास नायक राहुल के लाल बत्ती और प्रेमिका सालू को पाने के 2 सपनों के इर्द गिर्द बुना गया है। राहुल लाल बत्ती को पाने की ख्वाहिश में कटिहार से दिल्ली की मुखर्जी नगर पहुंचता है, वही मुखर्जी नगर जो दिल्ली में बिहारी छात्रों की राजधानी है। एक और NRB की अंतहीन सफर शुरू हो चुका था। लाल बत्ती की तलाश में उसे जिंदगी के लिए किस मुकाम तक ले जाएगी, किसी को खबर नहीं। कहते हैं अपनी जमीन से उखड़ा पौधा बड़ी मुश्किल से किसी और जमीन में जड़ जमा पाता है। वैसे भी इंसानी अस्तित्व संघर्ष और स्वार्थ की बुनियाद पर ही तैयार हुआ है। हर साम्राज्य की नींव स्वार्थ और अन्याय की बुनियाद पर खड़ी मिलेगी, लेकिन लोग उसे ही पराक्रम और पौरुष की जीत कहते हैं। और आजकल भी वही हो रहा है, बस बदलते वक्त के साथ इंसानी संघर्ष का रूप बदल गया है। दुनिया के स्तर से लेकर परिवार के स्तर तक केवल चोला बदला है, मूल तत्व पहले जैसा ही है। देखो बेटा, टॉप पर हरदम स्पेस होता है, वहाँ हरदम जगह खाली होती है, बस आपकी नजर होनी चाहिए उस सीट पर, हिम्मत होनी चाहिए उस सीट को पाने की। पापा की पुरानी बातों से बहुत हौसला मिलता था राहुल को। जिंदगी के सफर में बड़े बुजुर्गों की बातें कब कहां काम कर जाती है किसी को नहीं पता होता। वक्त के साथ अगर कहीं नहीं बदलोगे तो फिर शिकायत करते रहोगे कि जमाना बदल गया। बाद में यह न कहना पड़े कि जब मुंह में दांत थे तो अमरूद नहीं मिला, और जब अमरूद मिला तो दांत न दारद मिले। डार्लिंग, बिना रिस्क के जिंदगी कैसी? बिग रिस्क बिग गेन। खतरा जितना बड़ा होता है उपलब्धि भी उतनी ही बड़ी होती है। जो रिस्क लेने से डरते हैं वो कुछ नया तथा अपने मुकाम पर पहुंचने के लिए अपना पहला कदम भी नहीं बढ़ा पाते। फ्रांस के एक फिलोसोफर थे रूसो। बरसों पहले उन्होंने एक सवाल फ्रांस की जनता से पूछा था, आदमी पैदा तो स्वतंत्र होता है लेकिन बाद में वह जंजीरों से क्यों जकड़ जाता है? फ्रांस की जनता ने इसका जवाब ऐतिहासिक फ्रांसीसी क्रांति से दिया था। यही तो जिंदगी है, अच्छा घर, अच्छी नौकरी, महबूबा का साथ, सच्चे यार दोस्त, इतनी ताकत कि किसी के लिए कुछ कर सके और कोई दाएं बाएं करे तो उसको उसकी औकात बता सके। और क्या चाहिए जिंदगी में? देखो बेटे, आजकल जो तुम लोगों के बीच एक फैशन चला हुआ है, जो दिल कहे वही करो, करना भी चाहिए। दिल की बात जरूर सुननी चाहिए, लेकिन दिमाग को अलमारी में बंद करके नहीं। सीधा मतलब है, दिल और दिमाग के बीच बैलेंस बनाओ। इसे ऐसे समझो, दिल और दिमाग जिंदगी के गाड़ी के 2 पहिए हैं, किसी का महत्व किसी से कम नहीं। दोनों साथ साथ चले तो फिर ऑल इज वेल, लेकिन एक भी गड़बड़ाया तो फिर ऑल इज नॉट वेल। माँ बाप अपने बच्चों से ज्यादा वक्त की आंख मिचोली देखे होते हैं, इसलिए वे अपने तजुर्बे के आधार पर तुम्हें हमें बुरा भला बताते हैं। मानने न मानने का अधिकार बच्चों का होता है। और भी गम है जमाने में, मोहब्बत के सिवा केवल प्यार ही दुनिया में सब कुछ नहीं होता, जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी चीज होती है। बिहार से खुली ट्रेन को दिल्ली और लड़के को मुखर्जी नगर पहुंचना बड़ा है। क्या होता है जब बिहार में थोड़े भी संपन्न परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है? उसके जन्म लेते ही उसके बिहार छूटने का दिन क्यों तय हो जाता है? जब सभी जानते हैं कि मूंछ की रेख उभरने से पहले उसको अनजान लोगों के बीच चले जाना होता है, तब भी क्यों उसको गोलू मोलू दुलारा बना के पाला जाता है? वही दुलारा बच्चा जब आखिरकार ट्रेन में बिठाकर बिहार से बाहर भेज दिया जाता है, तब क्या होता है उसके साथ? सांस्कृतिक धक्के अलग लगते हैं, भावनात्मक अभाव का झटका अलग, इनमें कैसे उभरता है वह? क्यों तब उसको किसी दोस्त में मासुका और मासुका में सारे जहां का सुकून मिलने लगता है? नन रेजिडेंट बिहारी के नायक राहुल की इतनी भर कहानी है, एक तरफ UPSC और दूसरी तरफ सालू।
यूपीएससी उसकी जिंदगी है, सालू जैसी जिंदगी की जिंदगी। एक का छूटना साफ दिखने लगता है और दूसरी किनारे पर टंगी पतंग की तरह। खैर, दिल्ली आकर अपने दोस्तों के साथ पाकर आईएएस बनने की होड़ में लगकर क्या राहुल अपने घर वालों का यूपीएससी का सपना पूरा कर पाएगा, या फिर इस चक्कर में वो अपनी करीबी दोस्त सालू का भी साथ खो देगा। तो पढ़िए इस पुस्तक को और जानिए कि राहुल को अपना मुकाम हासिल हो पाता है या नहीं। स्मार्टफोन और व्हाट्सएप में अति व्यस्त रहने वाले युवाओं को किताबों से दोस्ती का श्रेय नन रेजिडेंट बिहारी, डार्क हॉर्स, ओघर, हमसफर एवरेस्ट, बनारस टॉकीज, अक्टूबर जंक्शन इत्यादि जैसे किताबों और उसके लेखक को जाता है। तो दोस्ती कीजिए पुस्तकों से, बाकी तो जैसा कि बिहार में कहते हैं, जो है वो है ये है। तो दोस्तों, आज की यह समीक्षा नन रेजिडेंट बिहारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कीजिए। ऐसे ही पुस्तकों की समीक्षा एवं साइंस फैक्ट्स को जानने एवं सुनने के लिए हमारे चैनल मी विथ माई बुक्स को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको पुस्तकों में रुचि है और नन रेजिडेंट बिहारी, ओघर, अक्टूबर जंक्शन जैसी पुस्तकें पढ़ने की इच्छा हो रही है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक पर क्लिक करके पुस्तक खरीद सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।